नाज़रीन, अहम तरीन खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। जिला ग्वादर के इलाके पसनी से उमाड़ा जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर घात लगाए हुए दहशत गर्दों ने हमला किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर जो हमला हुआ है उसमें 14 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। राणा शहजाद हमारे नुमाइंदे, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, उनसे मजीद मालूम लेते हैं। राणा शहजाद, जरा तफसीलात शेयर कीजिएगा, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हमला हुआ है। जी रिजवान, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया आज ग्वादर के इलाके पसनी से ओर मारा जाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज के एक काफिले पर जो एक दहशत गर्दों ने घात लगाकर हमला किया, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज की दो गाड़ियों को निशाना बनाया गया। और इस इंतहाई अफसोसनाक वाकये में हमारे 14 फौजी जवान जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, अपनी जाने मादरे वतन के दिफा में उन्होंने कुर्बान कर दी। ISPR के मुताबिक इस घनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को गिरफ्तार करके हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़म है और हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अजम को मजीद पुख्ता और मजबूत करती हैं। इस वक्त इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है और जो दहशत गर्दों की मजीद जो कार्रवाइयां हैं रोकने के लिए दहशत गर्दों की तलाश का अमल भी जारी है। जी जी, बहुत शुक्रिया राणा शहजाद, आपने तफसीलात से हमें आगाह किया।